यार सामा पियो। ऐसे लग रहा है वो इन्नू खराब हो गया है। ये दही वो नहीं है टीम खराब हो जाती है, दही खराब हो गई। तुम लोग एयरपोर्ट पे खड़े हुए हो। वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग एंड अस्सलामुअलैकुम। तो मैं करने बैठी हूँ नाश्ता और मैं नाश्ते के बाद इतना तैयार की हूँ, तो बस अभी जब मैं निकलूँगी तो आप लोग को पता लग जाएगा कि क्यों तैयार हूँ। फिलहाल अभी मैं नाश्ता कर रही हूँ और फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइस, जो हारने वाली टीम है वो ये दो अंडे खाएगी और ये चैलेंज पूरा करना है किसी भी हाल में, और सबसे मुश्किल काम है ये स्पून, इससे खाना। अच्छा, दूसरी बात ये कि टीममेट्स हेल्प कर सकते हैं। हाँ, अपनी चालाकी यूज कर सकते हो तुम लोग, सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गाइस, मैं आप लोग को बताऊं कि जब मैं अंदर इंटर हुई ना, तो इंटर होने के बाद मुझे एयरपोर्ट का कख नहीं पता कि किधर जाना क्या जाना, मेरे दिल में इतना दर्द हो रहा, मैंने कहा मैं क्या करूं यार। फिर उसके बाद ना खैर मैं अंदर आ गई और मुझे पता कौन मिल गया, फजीला। फिर आओ, ये क्यों हाथ में रखा है? ये दीदी के गिफ्ट्स हैं, यहीं से ले लिए तुमने? चलो मुझे भी बताते फिर मैं। फजीला, वैसे मेरे जैसे नमूने अगर एयरपोर्ट आएंगे तो उनका क्या होगा? अगर आप जैसे अगर नमूने जो है वो आप जैसे दोस्त प्यारे प्यारे हो तो फिर भी वो अल्लाह अथू नजर से बचे। तो बहुत खराब है, मैं इसलिए ज्यादा बोलूंगी नहीं, और पहले बोल बोल के मेरा गला बहुत खराब है। क्यों इतनी एक्साइटमेंट में इतना बोल दिया? अब आप लोगों ने गैस करना है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। अगर आप लोगों ने देखा नहीं है कि हम बोर्डिंग कराते हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो आप लोग बता सकते हैं, वरना आप लोग चीटिंग भी कर सकते हैं। हम लोग जा रहे हैं गर्ल डेज डे आउट वे, गर्ल डेज डे आउट इसका ब्लॉग का नाम है ये। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाना मुझे तो नहीं लगने के, आराम से अंदर भी मिलते हैं, ज्यादा खर्चे नहीं करो। प्लेट में बैठ के कहाँ जा रहे हो? ओह माय गॉड, कहाँ जा रहे हो? मतलब अल्लाह, आंखें देखो, ख्वाहिश थी कसम से, आंखें देखो इसकी, आंखें क्या हो रही, अच्छी हो रही है। आंखें देखो, नींद से उठ के आया, देर से उठा, जब ये लेट हो गया, पूरी रात बात लेट जब भी हुआ। और ये लोग यहाँ पे खड़े हो गए ग्लोरिया जींस लेने के लिए, फौरन कहीं ना कहीं बस कुछ ना कुछ खाना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खाना, कुछ ना कुछ खाना पीना चाहिए तुम लोगों को। डाइट फजीला, डाइट फजीला, डाइट 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 सब आ गए, मैं समझा रही हमारी, चलो वो बुला रहे, डाइट करा, डाइट करूँ मैं, नहीं मतलब खाई हो जाऊँ, स्किन के लिए अच्छी होती है, खट्टा मैडम के लिए ज्यादा अच्छी है। तूने ये क्यों ली है भाई, मुझे ये बता, भाई तूने ये क्यों ली है? मीठा होगा, रोटी था, मुझे दही वाला नहीं पता था, कभी ग्लोरिया जींस का शेक जिंदगी में पहली बार ग्लोरिया जीप पे चली गई तो गंदा था, पता नहीं क्या करनी था, तो यही था, पीना पड़ा ना, ऑप्शन होने की वजह से ये पीना पड़ रहा, और कुछ नहीं है ना, तो मुंह से पानी टपक रहा, खट्टा भी एक सिप लो ना यार, पैकेज करके पहले मुझे बता दो, कॉफी ना पिया ही नहीं है, तो मुंह में क्या है, पियो, ज्यादा नाटक नहीं करो तुम, हमें पता लग रहा है यार, सामा पियो। ऐसे लग रहा है वो इन्नू खराब हो गया है। ये दही वो नहीं है टीम खराब हो जाती है, दही खराब हो तो एयरपोर्ट पे खड़े हुए हो, तो हमने टिकट नहीं ली, हमने पैसे नहीं लिए, फ्री में है क्या? शोर इतना, लोग हमें देख रहे हैं। फाइनली ये जगह मैं सिर्फ पिक्चर में देखी थी, आज मैंने देख ली, कभी गई नहीं तो फर्स्ट टाइम है, ये इतने शॉक्ड की बात है। तो सामा, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि जहाज के साथ ये क्यों बांधा हुआ होता है, मुझे देखने दो, और ये चलता है तो जहाज इसके साथ साथ चलता है, नहीं नहीं इसके साथ नहीं चलता, ये इसके साथ चलते मैंने देखा है, पेट्रोल डाल रहा है, पेट्रोल डाल रहा है, इतनी पेट्रोल होगा किधर, इसके अंदर तो सारी मशीनें नजर आ रही है मुझे, ये अंदर जाते हुए का समा है, मुझे सारा मिला हुआ जहाज का ही बने, कसम खा एक बार, क्या बोल रहे हैं, कसम खाओ, क्या फर्स्ट टाइम जा रही हो, मेरी कसम, मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ।
कछुआ गिर जाता है यहाँ मेरे साथ ही बैठा तुम पकड़ेगी मुझे भी उसामा जल्दी चले आप फर्स्ट टाइम ना तो मुझे अंदर जाना यार उसामा ही क्या लगता है एक मिनट यार उसामा पीछे ये नहीं सच्ची मेरी ये वाली है हमारी रोटी हाँ यही हमारी बताओ मेरी जगह सेट है दे दूंगा ना तुम्हें आधे घंटे बाद वॉशरूम जाऊंगा तुम जा देना सही है यार वैसे छोटा कंजेस्टेड कह रही है जहाँ भी तो छोटा ही है यार इतना कंजेस्टेड कंजेस्टेड है अच्छा उन्हें नीचे कुछ चुभ रहा है फिर सीट पर रखी है गाइस हम लोग हवा में उड़ने वाले अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी अम्मा तक ये वीडियो पहुंचा देना उस आपने अबे अपलोड करेगी तो हो जाएगी अपलोड कैसे करेगी अगर कुछ हो गया जब लैंड हो रहा होगा ना देखो ऊपर हो जाएगी ऊपर होगी ना तो हवा जो है उसका प्रेशर हो जाएगा कम तो प्लेन को रुकने में आसानी होगी मैं नहीं उड़ा अभी रुक जा कितनी देर में उड़ेगा रनवे पे लगेगा ना अभी रुकेगा जाके फिर मैं गिरूंगी तो नहीं तुम क्यों गिरोगी मेरे कान इतने गंदे बंद हुए कि मेरे मुझे दर्द होने लग गया कान में कान अच्छा कान बंद हो गए अब्दुल्ला सामा सामा सुधर जाओ अब्दुल्ला की याद आ रही है तुम्हें ले आती हूँ उसके साथ पूरा जहाज खाली कर कर फिर मतलब जा रहे हैं हम लोग वाह वाह क्या बात है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने किसको देखा ये चेक कर रही है कौन सामा को यहाँ पे कौन मिल गया है गाइस कौन मिल गया सामा तुम्हें कौन मिल गया सामा की पिक्चर ले रही हूँ मैं लोग अपनी अपनी पिक्चर खिंचवा रहे हैं और मैं इनकी पिक्चर खींचूँ हम लोगों ने अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बाय बाय कर दिया है और मैं पे आ रही हूँ या लाहौर पे आ रही हूँ लाहौर उतर इसको उतारो सामा क्या बोला गजरे आप लोग को बताओ मम्मा मुझे कह रही थी मैंने कहा मुझे ये वाला बैग चाहिए मम्मा मुझे यही वाला बैग दिलाया लेकिन मम्मा ने मुझे ये वाला बैग दिलाया ठीक है मम्मा ने मुझे कहा कि तुम अगर ये वाला बैग लोगी ना तो इसको उठा उठा के फेंकते ये टूट जाएगा तो मैंने कहा पागल है क्या ऐसे कैसे टूट सकता है ऐसा थोड़ी होता है किसी बैग लेकिन ये देखें माँ जो कहती है ना सही कहती है आई लव यू अम्मा हम लोग जा रहे हैं अभी कहीं खाना खाने के तो बस बहुत भूख लग रही है वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व्लॉग तो पता है मेरा डेली व्लॉग बनता है ये लड़का कौन है हेलो सामा हेलो हसन भाई क्या हाल है भाई क्या कर रही है आप रैन के साथ हम लोग आए हैं हमें
दक्षा अपने हाथ में अपनी औलाद की चप्पल और फीडर लेते हुए ये देखे मामी जो होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। हवेली तो बच्चा है हमारी जिंदगी में, लाहौर में भी हवेली तो कराची में भी हवेली। क्या तरीका है ये तरीका क्या है? क्या बहुत भूख लग रही है। फ्राइज बहुत अच्छे हैं मम्मी, मुझे करें आप लोग। अच्छा इतनी धूल हो रही है। खाना आ गया लेकिन आप लोगों को मेरी बात बताते हैं हम लोगों ने अभी क्या बात है खामा भूख लग रही क्या बात है मुझे बहुत भूख लग रही है। हमने तो ऐसे ही पेट भर लिया और मैंने कसम के लिए छोड़ी सिर्फ चिकन। ये और आपको दिखाऊं तो रक्षा ने क्या कर रही है देखें यार मैंने सूप के अंदर डन हो चुका है। अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं और ये देखें ये पकड़ो सामान और अब हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये क्योंकि उसामा है हमारा। गाइस हम लोग जा रहे हैं इसको शीश महल लेके। हम शीश महल जा रहे हैं। देखो फजीला की वॉच कितनी प्यारी लग रही उनके साथ कैसे खेल लिया माशाल्लाह। मम्मा अपनी बेटी से चुपते हुए जा रही है कह रही है चलो ऊपर जाने के बाद चलो साथ आना है सबने इकट्ठा जाना है। प्यारी आ रही हो तुम यहाँ पे बहुत ज्यादा प्यारी आ रही है। कैसे लगता है इसकी मम्मा देते क्या पुल लिखा है लेकिन हम धक्का देते खींच रहे पुश नहीं लिखा पुल लिखा है वही तो बोल रही हूँ पुल लिखा है। हाँ बाप है ना क्या लेना है आपको तुम क्या दिला रहे हो सामा मैं वो ले लूंगी क्या दिला रहे हो मैं ले लूँगी यार सामा बताओ क्या दिलाऊं। आज हमने मार्ट से चीजें ले ली हैं और ये लो लग जाएगी उसे सामा। सो गाइस अब हम लोग होटल जा रहे हैं। मैं वहाँ पे जाके भी थोड़ा सा व्लॉग बनाऊंगी फिर व्लॉग की एंडिंग करूँगी क्योंकि आज का व्लॉग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है और गई हूँ मैं बहुत ज़्यादा। तो गाइस हम लोग अपने रूम में आ गए हैं। दरक्षा पूरा कमरा समेट रही है। दरक्षा ने पूरा कमरा समेट दिया क्योंकि कमरे की हालत फजीला ने इतनी बुरी की है ना। हाँ, फजीला ने मेरे रिश्ते पहले नहीं आ रहे और कैंसिल अगर गाइस को अच्छा रिश्ता है तो हमारी फजीला के लिए दे दें आप नहीं सॉरी आई एम नॉट इन मेरे रिश्ते वैसे ही आ रहे और कैंसिल करवा दो यार शिट यार डैम यार तो और क्या बोलेंगे। लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना नहीं मिलेगा। बाय बाय।